अस्सलाम वालेकुम। ओके, दो तीन मिनट वेट करते हैं, अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ, अदरवाइज स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी मेजॉरिटी क्लास जो है वो शॉर्टेज में है और किसी को परवाह ही नहीं है। ये बाकी कोई नहीं है कि मुझे शो नहीं हो रहा? नहीं, कोई है ही नहीं क्लास में, कोई होता ही नहीं है। ये लेरा होती है, एक नाजिश है, कोमल है, लाइबा होती है, लाले भी आ जाती है कभी कभी, ये हुबाइबा भी आ जाती है, बाकी कोई नहीं होता। मैं भी होता हूँ, मैम अक्सर अक्सर होते हैं। हाँ, अक्सर नहीं मैम, ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ, कभी कभार होता नहीं है, अभी मसला हो रहा था। उबैद ने तो कसम खाई है। उन्होंने नहीं ज्वाइन करना, उन्होंने नहीं होता। अगर तो सिर्फ ऐसे हमीद और ये उबैद अगर पेपर्स के लिए अलाउ हो गए तो दोनों ज्वाइन नहीं करते, कभी भी क्लास में नहीं होते। ये कैंपस वाली क्लास में कहाँ होते थे? ये तो फिर भी ऑनलाइन है, सुबह उठना है, इसके लिए बैठना है, इसमें तो एडवांटेज है। सुनो नहीं सुनो, टीचर तो टीचर ने तो बोलना है ना। यस मैम, ये लीव कर दूं मैं? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। से रिव्यू देते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस को पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग बेसिकली किस प्रोसेस पे होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा होता है डिसीजन इंडिविजुअल बेसिस पे, एक हमारा होता है डिसीजन ग्रुप बेसिस पे। इंडिविजुअल डिसीजन बेसिस की अगर हम बात करते हैं
तो इंडिविजुअल डिसीजन में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप इनिशिएटिव की बात करते हैं, ग्रुप डिसीजन की बात करते हैं, तो ग्रुप डिसीजन का एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम जो है अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हमारे साथ जो बाकी मेंबर्स ऑफ ग्रुप है या मेंबर्स ऑफ टीम है, वो हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी हमने डिसाइड किया होता है, जिस पे हमने अमल किया होता है, जिस चीज़ को हमने इंप्लीमेंट किया होता है, तो इसमें सारा ब्लेम एक ही बंदे पे नहीं आता। अगर पनिशमेंट है तो भी इक्वल है, अगर रिवॉर्ड है तो भी इक्वल है। फिर लाइफ में हम बहुत से डिसीजन ऐसे ले रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। हमारी डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि हमारे कल्चर नॉर्म जो है वो हमें इस तरह हमें ग्रैब किए हुए हैं कि हम कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे स्टेप्स नहीं ले सकते। ये हमारा कल्चर वे है। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करें, दूसरे जो कल्चर्स हैं या नॉर्म्स हैं उनकी बात करें, वेस्ट में 18 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट की जो डिसीजन है या गवर्नमेंट के जो रूल है या लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे या बच्ची हैं, दे शुड लीव देयर पेरेंट्स फॉर अ गुड विल। लेकिन यहाँ पे बच्चा और बच्ची 18 साल के हो गए, तो अब उसकी डबल केयर की जरूरत हो गई। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम अब बाउंड्रीज और कंजेस्टेड बनाएं, बाउंड्रीज को और सख्त करें। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। कभी कभी जो हमारे डिसीजन होते हैं, हमें लग सही रहा होता है, लेकिन वो डिसीजन हमारे ऊपर नहीं होते। पहले डिसीजन मेकिंग के लिए मैंडेटरी स्टेप जो है वो हमारा है टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, वेयर इज द लीकेजेस, वेयर आर द हर्डल्स, वेयर आर द बैरियर्स, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। इस चीज़ को हमें समझना है। अगर ये चीज़ हमें समझ आ गई, फिर हम अल्टरनेटिव्स डेवलप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स डेवलपिंग लाइक टू मेक एनी स्ट्रेटेजी, टू मेक प्लान्स, टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया दैट मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम और दैट कम्प्लीटली एलिमिनेट द प्रॉब्लम। फिर इसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेप आता है, एवेल्यूशन ऑफ दीज अल्टरनेटिव्स। जो हमने किया, जो अल्टरनेटिव हमने बनाए, वेदर दे वर गुड और बैड, वेदर दे वर इम्प्लीमेंटेड इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, वेदर वी वर एबल या वी वर कैपेबल इन ऑर्डर टू मेंटेन दीज अल्टरनेटिव, ये हमारी एवेल्यूशन हो गई। एंड फाइनल हमारे जो स्टेप होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन। जो हमने डिसाइड किया कि ये चीज़ इस तरह होनी है, अब हमने इसकी जो हमने अल्टरनेटिव्स बनाए थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अल्टरनेटिव्स इन शॉर्ट वे में कहूँगी, लाइक जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जो हमने प्लान्स बनाए थे, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अब उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने इसको मॉनिटर करना है। मैंने जो डिसाइड किया, मैंने जो स्टेप्स लिए, जो मैंने इनिशिएटिव ली, वो कहाँ तक एप्लीकेबल थे, उसका रिजल्ट क्या आया, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, उसका रिवॉर्ड क्या है। ये सारा हो गया ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। थोड़ा सा रिव्यू कर रही हूँ मैं इसको। देन हमने पढ़ा ग्रुप साइज, कि ग्रुप्स का कैसा इन्फ्लुएंस होता है टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पे आ जाता है ग्रुप साइज, जितने ज्यादा बंदे होंगे उतना ही टास्क डिवाइड होगा। लेकिन जितने ज्यादा बंदे होंगे, जब हम टास्क डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसमें जैसे हमने सोशल लोफिंग हमने पढ़ा था, फ्री राइडर इफेक्ट। तो फ्री राइडर इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक ही बंदा जो होता है वो काम कर रहा होता है, बाकी जो होते हैं
वो वेले बैठे होते हैं, वो एवे ही बैठे होते हैं। तो एक बंदे का जो टास्क होता है, एक बंदे का जो एफर्ट होता है, उसका रिवॉर्ड सबको मिल रहा होता है। तो डिसीजन मेकिंग में ग्रुप साइज जो है वो बड़ा मैंडेटरी होता है। ग्रुप को ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जो आइडियल ग्रुप है 5 to 7 members होगा, और उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, जो उनका इनिशिएटिव होगा, वो ज़्यादा इफेक्टफुल होगा या फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि बंदे कम है, उनका आपस में इंटरेक्शन है। बंदे कम है तो जितने, देखिए ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने आइडियाज़ ज़्यादा होंगे, जितने आइडियाज़ ज़्यादा होंगे उतना कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, और जितने जितने लोग ज़्यादा होते जाएंगे तो आप फेमिलियर नहीं होंगे, आप उनके नेम नहीं आएंगे, आप फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन नहीं होगा। ग्रुप कंपोजिशन में क्या है, हायर स्टेटस ऑफ सम ग्रुप मेंबर्स इन टर्म ऑफ अ बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज इन्फ्लुएंस अदर मेंबर्स ओपिनियन। जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छा बंदा हमारे ग्रुप में हो, या हम सबसे अच्छे बंदे की ग्रुप में हो, जो हमारा सबसे अच्छा टीम लीडर है हम उसके ग्रुप में हो। तो ये चीज़ें, ये वो चीज़ें होती है जो कि हमारे किसी भी इनिशिएटिव के लिए बड़ा फ्रूटफुल होती हैं, अगर हम वाइजली इसको देखें ना। यूनैनिमिटी ऑफ ग्रुप कॉन्सेंस, अ यूनाइटेड ग्रुप, एक हमारा होता है वो ग्रुप जो एक एक ही टेबल पे बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिंसियर नहीं होते। एक वो ग्रुप होता है जो साथ होते हैं, लेकिन उनका जो कन्फ्लिक्ट होता है या उनका जो डिसएग्रीमेंट होता है, वो जो है वो ओपनली बता रहे होते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दे शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क इश्यूज क्या है, आप हायर डिसीजंस लें, आप क्रिएटिव स्टेप्स लें, लेकिन वो स्टेप्स आपके इस तरह होने चाहिए कि उसमें 50-50% चांसेस होते हैं फॉर प्रॉफिट एंड फॉर लॉस। तो ये मोटिवेशनल, ये कुछ साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं हमारी, वो थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की हुई थी कि कौन सी थ्योरी क्या करती है। फिर हमने टेक्निक्स को देखा, टेक्निक्स क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग के, बेसिक जो हमारे हैं 4 techniques है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, डेल्फी टेक्निक है, और साथ में हमारा कॉन्सेंसिस मैपिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है कि आपके पास जो है वो आइडियाज ज़्यादा हो, प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो, ज़्यादा प्लान हो आपके पास, साथ में क्रिएटिव हो आप, इमेजिनेटिव हो, फ्री विलिंग आप में हो। फ्री विलिंग का मतलब क्या है कि विदाउट विदाउट मच एफर्ट यू जनरेट अ गुड सोल्यूशन। बिल्डिंग अपॉन पी के पैंग एक्सटेंड और कंबाइन अर्लियर आइडियाज, विद होल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स आइडियाज, ये सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। साथ में हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़े, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी, जो इसका बेसिक है, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी में ये है कि जितनी जितनी ज़्यादा आपके पास आइडियाज होते जाएंगे, आपके आइडियाज ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपका जो टास्क है वो इन अ गुड वे फुलफिल होगा, आपके आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन इन अ गुड वे होगी। तो ये सारा हो गया एडवांटेजेस। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट नॉमिनल ग्रुप टेक्निक इन एब्रिवेशन फॉर्म और इन शॉर्ट फॉर्म NGT। नॉमिनल ग्रुप एग्जिस्ट इन नेम ओनली एंड द मेंबर्स हैव मिनिमल इंटरेक्शन प्रियर टू मेकिंग डिसीजन प्रोसेस। नॉमिनल जो ग्रुप होता है वो जस्ट फॉर नेम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। उनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका इंटरेक्शन तब तक नहीं होता जब तक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो। लेट सपोज मैं और आप एक ग्रुप बना रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन नहीं है अंटिल एंड अनलेस कोई सिचुएशन या कोई हर्डल सामने नहीं आई। जब तक वो हर्डल सामने नहीं आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने नहीं आएगी, मेरा और आपका जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा। क्लियर?
यस मैम, यस मैम। सिर्फ नायल और साकिब और जो मेरा है आपको मैंने एक टास्क दिया हुआ था बच्चे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आपने वीडियोस वगैरह और थोड़ा सा सर्च करना था, किया था आपने? क्या आप लोगों ने? नो मैम, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये ले, अब आ रही है सही? यस मैम। गुड, एक टास्क दिया था मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो मैं उसको पूछ रही हूँ। मैम मैंने जस्ट एक क्लास ली थी, सेकंड क्लास में मैं नहीं थी। अच्छा, सेकंड क्लास में आपने? जी। ऑनलाइन से बोर होते हैं क्या होता है? बाकी टीचर्स के सब्जेक्ट में भी ये हाल है या ये सिर्फ जो रिवॉर्ड है मेरे लिए है? मैम बाकी सब में भी कोई अटेंड कर लेते हैं क्लास, कोई नहीं। ये क्या होता है नाम है, आसमा किधर होती है? मैं आसमा भी कभी ले लेती है कभी नहीं, उसका भी पता नहीं होता। ये मेजॉरिटी जो आपकी क्लास है ना, अब 15 में से ऑलमोस्ट 7-8 जो बंदे हैं, बल्कि 9 जो बंदे हैं वो शॉर्टेज में हैं, वो एग्जाम नहीं दे सकते। मैम हम सबको बता देंगे ग्रुप में मैसेज करके। नहीं नहीं ग्रुप में मैसेज नहीं, सबके लिए सरप्राइज है नाइट बिफोर पेपर। ओके मैम, हम तो सिर्फ सरप्राइज इसको मानते हैं ना कि बर्थडे पार्टी है। यस मैम, ये हो जाएगा डबल वेडिंग। ओके जी, बैक टू योर टॉपिक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। सो प्रोसेस इसका क्या है? मेंबर्स ब्रॉट टुगेदर एंड प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम्स। मेंबर्स सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, ईच मेंबर डेवलप सॉल्यूशन आइडियाज इंडिपेंडेंटली एंड राइट्स देम ऑन अ कार्ड। रिटन फॉर्म में वो अपना सब कुछ लिख रहे होते हैं। मुझे हमेशा याद रखें, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो आपने हर एक चीज़ जो है वो रिटन में लेनी है विद सिग्नेचर्स। आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा हेड है, ये मेरे हेड है, ये अच्छा है, ये अच्छी है। प्रोफेशनल जब आपकी लाइफ होती है, तो प्रोफेशनल जैसे हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, इनका जो सेकेंड पार्ट है कि आइडियाज उनके होते हैं वो लिखते हैं। लिखने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि वो जो उन्होंने लिख लिया, तो अपने जो हेड है, अपने जो लीडर है, उनको उन्होंने सबमिट करना होता है या हैंडओवर करना होता है। तो जब हम कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब करेंगे, कुछ करेंगे खैर से, तो आपने हर एक चीज़ जो है वो अपने सीनियर से रिटर्न में लेनी है। जब हम हवाई हवाई खाली खुली जबान की बातों पे जाते हैं ना कि टीचर ने ऐसा कहा या हमारे हेड ने ऐसा कहा, इस तरह करना चाहिए, फिर एंड में ये होता है कि आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए जस्टिफाइबल रीज़न नहीं होते। जो चीज़ आपके पास रिटर्न होती है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। क्लियर? सो पॉइंट नंबर 3। यस मैम। गुड। ऑल प्रेजेंट देयर आइडियाज इन अ राउंड रोबिन प्रोसीजर्स। ब्रीफ टाइम इज अलॉटेड टू क्लेरिफाई आइडियाज आफ्टर द प्रेजेंटेशन बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स। इंडिविजुअली रैंक देयर प्रेफरेंसेस फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव्स बाय सीक्रेट बैलेट। ग्रुप डिसीजन इज अनाउंस्ड बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग। सारे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं, प्रॉब्लम जो है उसको, उस पर निगोशिएशन हो रही होती है, फिर हर एक बंदा जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन जो है इसके लिए फाइंड आउट करता है, इसके लिए सजेस्ट करता है, और जो भी उसके सॉल्यूशन होते हैं उनके वो रिटन फॉर्म में जो है कार्ड्स या पेपर्स पे या नोट पैड पे लिख रहे होते हैं। फिर ये जो सारा आइडियाज़ या ये जो सारे जो उनके सजेशंस होते हैं, राउंड रोबिन प्रोसीजर का मतलब है कि हम वो राउंड या गोल मेज कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो करते थे, सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें होती हैं। ब्रीफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम चाहिए होता है
फिर क्या करते हैं, हर एक बंदा अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है वो सीक्रेट बैलेट बॉक्स जो होता है, जैसे हमारा वोटिंग सिस्टम होता है ना, जब हम वोट के लिए जाते हैं या हमने देखा हो कभी, आप लोग नहीं गए होंगे तो जो वो पेपर जिस पे वो डिफरेंट जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम या उनके जो इंतखाबी निशान होते हैं उस पे हमने अंगूठा लगाना होता है, किस टाइम पता नहीं लगाना होता है, वो हमने बॉक्स में डालना होता है, कि जो हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना ये अगला बंदा नहीं देख सकता। इसी तरह जब हम, अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं या हम ऐवान की बात करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि लेट सपोज अब स्पीकर के लिए कोई नॉमिनेशन हो रही है, दो तीन बंदे जो है वो उस कंपटीशन के लिए जो है या उस रैंक के लिए, उस पोजीशन के लिए जो है वो अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं, फिर वो डिसीजन आपने क्या डिसाइड किया, मैंने क्या डिसाइड किया, नायला ने, सुमेरा ने क्या डिसाइड किया, फिर हमारा जो डिसीजन होता है वो हम सिंपली जो है हम अपना ओपिनियन उस बॉक्स में डाल लेते हैं। इसमें एडवांटेज ये होता है कि नेम नहीं होता, नेम नहीं है, अगर आपका डिसीजन जो है वो लेट सपोज इम्प्लीमेंट हो जाता है या आपका जो आपकी सिलेक्शन जो है लेट सपोज अप्रूव हो जाती है तो आप क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये हवाई हवाई चीज होगी, किन्होंने किया पता नहीं है, नायला ने किया, सना ने किया, सुमेरा ने किया, तो ये अगर हम देखें ना तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ग्रुप डिसीजन इज अनाउंस बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग, ग्रुप डिसीजन जो भी होगा फाइनली जो जो मेजोरिटीज अथॉरिटी है, जो ज्यादा सुटेबल सोल्यूशन होगा उसकी अनाउंसमेंट होगी, अनाउंसमेंट इसलिए होगी कि वो सोल्यूशन फिर इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनाउंसमेंट मैंडेटरी होगी। तो एडवांटेजेस क्या है नॉमिनल ग्रुप डिसीजन की, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे हमने पढ़ा अ ब्रीफ टाइम इज अलॉटेड टू क्लेरिफाई आइडियाज, फिर यहाँ पे जब हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ और वहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि आपने जो आइडियाज दिए हैं उनकी क्लेरिफिकेशन या जस्टिफाई करें उसको। लेस टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, अब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए लेट सपोज एक इनिशिएटिव आपने 2 मिनट में लिया, अगर उस इनिशिएटिव के लिए मैं आपको 2 घंटा दूं तो वो उस टाइम को तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है ना, आपने जो डिसाइड करना था वो आपने 2 मिनट में कर लिया, बाकी का 2 घंटा 58 मिनट जो है, 1 घंटा 58 मिनट वो तो एम ही वेस्ट हो गया। लेकिन मेरा जो काम था एज अ ग्रुप लीडर या एज अ पार्ट ऑफ अ टेक्निक, मेरा काम था कि मैं आपको ज़्यादा टाइम दूँ। पेपर लेट सपोज मैंने बनाया 30 मार्क्स का, और मैंने उस 30 मार्क्स के पेपर के लिए जो है आपको टाइम दिया 4 घंटा, वो सिंपल ट्रू फॉल्स थे, एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस थी, सिंपल ये चीज़ें थी। अब वो 30 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों ने 10 to 15 मार्क्स में कर लिया, फिर बाकी जो आपके पास टाइम बचता है 2 घंटे 45 मिनट्स हैं वो तो यूजलेस है ना, आपको जितना टाइम चाहिए था आपने उतना ही टाइम कंज्यूम किया। या लेट्स सपोज इसके एग्जांपल ऐसे लें, एक फॉर्म का पीस लें, एक फॉर्म का पीस लें और उसको एक एक बकेट में डाल दें, जो पानी से भरी हुई बाल्टी उसमें डालें, वो फॉर्म उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो बाकी जो पानी है वो यूजलेस है, नो डाउट कि आपने सारा प्रोवाइड किया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, यस मैम। ओके जी, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स ओवर दिस इज मिनिमाइज्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप मेंबर ओवर दिस इज मिनिमाइज्ड, क्या क्या मतलब है कि एक बंदा होता है ना हर एक ग्रुप में जो कि बड़ा डोमिनेंट होता है, और अगर वो सही भी कह रहा है गलत भी कह रहा है तो कुछ लोग होते हैं ना जो कि उसी बंदे को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसी बंदे को क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसी बंदे को इसलिए फॉलो कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 उनका ये होता है
कि एक पावर होती है, एक प्रेस्टीज होता है. अब पावर और प्रेस्टीज के बेसिस पे वो बंदा प्रोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ. मेरी मर्जी कुछ और है, मैं कुछ और करना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं बाउंड हूँ. बाउंड मैं क्यों हूँ? बाउंड मैं इसलिए हूँ, एक तो मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ करेज नहीं है, साथ में मेरे जो है सबसे बड़ा जो मेरा ड्रॉबैक है वो मेरे रिसोर्सेज ही नहीं है. तो यहाँ पे जब हम बैलेट में अपने सजेशन आइडियाज लिख लेते हैं तो आपका जो पावरफुल ग्रुप मेंबर है वो उसको नहीं देख सकता, जो डोमिनेंट ग्रुप मेंबर है वो उसको नहीं देख सकता, वो एक सीक्रेट चीज है. तो यहाँ पे जो है डोमिनेंट जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. पॉइंट नंबर थ्री इज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ ग्रुप क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी. इंटीग्रेशन में क्या है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ग्रुप क्रिएटिविटी, दोनों आइडियाज हमने ले लिए, सारे ग्रुप का हमने पढ़ लिया. फिर सारे ग्रुप के आइडियाज को मे बी मैं समराइज फॉर्म में करूँ, कोई एक और सोल्यूशन में फाइंड आउट करूँ. अब ग्रुप की क्रिएटिविटी तब होगी जब इंडिविजुअल क्रिएटिव होगा. आप क्रिएटिव होंगी, आप कोई आइडिया सजेस्ट करेंगी, आपका मेंबर जो दूसरा कंपेनियन है वो क्रिएटिव होगा, साथ में आपका लीडर क्रिएटिव होगा. इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होगी तभी ग्रुप क्रिएटिविटी होगी, लेकिन इंडिविजुअल क्रिएटिव नहीं है, या उनमें फ्री राइडर इफेक्ट है या सकर इफेक्ट इसमें आ जाते हैं सोशल लोफिंग वाले, तो ग्रुप तो स्पॉइल हो गया ना. इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ जाती है. सो इनइक्वल पार्टिसिपेशन आपका सकर इफेक्ट, आपका फ्री राइडर इफेक्ट वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है. सब ने इक्वली काम करना है. मैं लेट सपोज चले सुमेरा और नायला जो है वो ग्रुप लीडर्स है, मैं मेंबर हूँ, तो आपने भी 50% अपने लिए सेलेक्ट करना है, मेरे लिए भी 50% सेलेक्ट करना है. 50% आप काम करेंगी, 50% साइड बाई साइड एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप मैं भी काम करूँगी. एज अ लीडर साइड बाई साइड आप लोगों ने भी 50% अपना जो है क्रिएटिव अपना पोटेंशियल देना होता है. डिसएडवांटेज इसका क्या है, मेंबर्स डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज. अब एक यहाँ पे एडवांटेज जो है इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स ओवर दिस इज मिनिमाइज्ड, कि आपका जो डोमिनेंट ग्रुप मेंबर है उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आपका आपके नाम का पता नहीं चल रहा किसने क्या सजेस्ट किया या किसका सजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया. यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, वही जो आपका सजेशन इम्प्लीमेंट हुआ है आपका नेम नहीं है. एक प्लस पॉइंट आपके पास ये आ गया क्या कि जो पावरफुल बंदा था उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया. यहाँ पे उसी बात का जो है डिसएडवांटेज ये है कि मेंबर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फ्रॉम क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज. उन्होंने जो आइडियाज जनरेट किए, उन्होंने जो आइडियाज प्रेजेंट किए उसका जो है ज्यादा एडवांटेज उनको मिल सके. अगर मैं कहूँ कि जी नायला और सुमेरा ने जो है ये आइडिया दिया था और इस आइडिया के बेसिस पे एक आपका एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगा, तो वो पॉजिटिव इमेज आप फर्दर फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगी ना, आप उसे एडवांटेज लेंगी, आप उसे बेनिफिट लेंगी. लेकिन यहाँ पर ये है कि आपने डिसाइड किया लेकिन आपका जो नाम है वो आउट ऑफ स्क्रीन है, तो आप फर्दर अपने उस डिसीजन, अपने उस क्रिएटिविटी को बेस बना के, उस फाउंडेशन बना के फर्दर सक्सेस की तरफ मूव नहीं कर सकती. क्लियर? ओके जी. फिर हमारी है थर्ड टेक्निक, डेल्फी टेक्निक. डेल्फी इज अ प्लेस वेयर द एंशिएंट ग्रीक यूज्ड टू प्रे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर. बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक जो लोग थे या ग्रीक अभी भी ग्रीक जो है वो देवी देवताओं को मानते हैं. पुराने जो ग्रीक लोग थे, डेल्फी एक जगह का नाम होता था, वहाँ पे जाते थे, इबादत विबादत करते थे, अपने जो सप्लिकेशन मना जाते होती थी वो पढ़ते थे ताकि उनको फ्यूचर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिले, कल को क्या होना है, हमारे साथ क्या होना है, हमारी जो कौम है वो कितना स्ट्रांग होगी, ये बीमारियाँ आएंगी नहीं आएंगी,
मौत जो है अमवाती ज्यादा होंगी कम होंगी, मर्द ज्यादा मरेंगे औरतें ज्यादा मरेंगी, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस उनके पास होते थे वो इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है इबादत करती थी। अगर आप ग्रीक की हिस्ट्री को बच्चे पढ़े ना तो ग्रीक की हिस्ट्री जो है, ग्रीक में बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स गुजरे हैं, बहुत ही फेमस जो है स्कॉलर गुजरे हैं। वो टाइम ऐसा होता था कि एक ही खानकाह होती थी या एक ही दरसगाह होती थी, उस एक ही दरसगाह में, उस दरसगाह को हम चले ट्रांसलेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, एक इंस्टीट्यूशन होता था। उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग जाते थे वो एट अ टाइम पे रिसर्चर भी होते थे, वो स्कॉलर भी होते थे, वो फिलासफर भी होते थे, वो एस्ट्रोनॉमर भी होते थे, वो जैक ऑफ ऑल होते थे, वो मैथमेटिशियंस भी होते थे, वो लाइक जितने भी उनका नॉलेज है वो हर एक चीज़ पे जो है वो जो है अपना अप्रोच रखते थे। अब आज कल देखें ना, एक इंस्टीट्यूट है, लेट सपोज यूनिवर्सिटी का नेम दे दें इसको, सेपरेट जो है डिपार्टमेंट्स हैं, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, फलाना है फलाना है। अब आप साइकोलॉजी वाले हैं, मैं साइकोलॉजी वाली हूँ, मुझे लिटरेचर का बता दें कि लिटरेचर में फलानी चीज़ है, कोई सही भी कहेगा गलत भी कहेगा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं फेमिलियर ही नहीं हूँ। जब एक चीज़ के साथ मैं फेमिलियर नहीं हूँ तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सही है या गलत है? मैं लाइक अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड बैठी रहूंगी। लेकिन पहले दौर में क्या था, पहले दौर में एक ही बंदा होता था, वो जैक ऑफ ऑल होता था। तो हम बात करें डेल्फी टेक्निक की, ग्रीक्स की हम बात करें तो ग्रीक में जो है वो सारा ये सिस्टम होता था देवी देवताओं वाला, और हर एक उसके लिए एक उनका अलग देवी और देवता है। आई थिंक गॉडेस ऑफ मॉर्फी है आई थिंक, हाँ वो जो है वो नींद की देवी है, इसी तरह सुकून के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, बारिश के लिए, हर एक के लिए जो है वो अलग अलग लोग हैं। सो ये सारे अपने देवी देवताओं को जो है वो वहाँ पे डेल्फी जो जगह होती थी वहाँ पे जाते थे, याद करते थे और उनसे जो है मदद मांगते थे। इन दिस टेक्निक मेंबर सेलेक्टेड आर एक्सपर्ट्स, जो मेंबर सेलेक्टेड हुए होते थे वो एक्सपर्ट होते थे, एंड स्कैटर्ड ओवर लार्ज डिस्टेंस हैविंग नो फेस टू फेस इंटरेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग। वो काफ़ी दूर के इलाकों में उनको भेजा गया होता था, जैसे हम आजकल इसको कहें ना तबलीग, हैविंग नो फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं था, पैदल सफ़र था या जानवरों पर सफ़र करते थे। तो दूर भिजवाने का बेसिक पर्पज़ ये होता था ताकि वो डिफरेंट लोगों से मिले, डिफरेंट कल्चर को ऑब्जर्व करें, डिफरेंट ट्रेडिशन को ऑब्जर्व करें। जितना हमारा सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा होता है, जितना हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, हम बहुत सी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा नॉलेज होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होता है फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन। क्लियर? यस मैम। The effectiveness of this technique depends on the adequate time, participant expertise, communication skills and motivation of members. ये टेक्निक तभी यूजफुल या सक्सेसफुल होगी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, जो पार्टिसिपेंट है, जो मेंबर है वो एक्सपर्ट बनता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स देखें ना बच्चे, कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक चीज़ में मैंडेटरी हैं। अब माइंड मोल्डिंग या किसी को मोटिवेट करना, किसी को डीमोटिवेट करना, दिस इज अबाउट ह्यूमन साइकी ना। अब आप ह्यूमन साइकी के साथ गेम कर रहे हैं तो उस गेम के लिए यू हैव टू सेलेक्ट बेटर वर्ड्स और बेस्ट वर्ड्स, योर टोन, योर पिच, योर एक्सेंट, योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, योर सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, योर जेस्टर्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, ये सारा मैंडेटरी होता है। लेकिन जब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते तो चाहे हम एक टीचर है आपका जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो उस टैलेंट का, उस एक्सपर्टीज का क्या फ़ायदा जब वो चीज़ आप तक कन्वे नहीं हो पा रही।
वो सोर्स ऑफ नॉलेज जो उनके पास है उनके लिए, उसके लिए उनके पास कोई मीडियम ही नहीं है। अब कम्युनिकेशन हमारी इसमें वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों आ गई ना। ओके जी, गैलेक्सी J7 हुई दिस भाई भाई बच्चे कोशिश किया करें कि अपने नेम के साथ आप एंट्री करें ताकि फिर मुझे अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम ना हो। जी आसमा वेलकम। असल में कल से लाइट नहीं आई थी इसी वजह से मोबाइल में चार्ज नहीं था तो फ्रिज को रख दिया, थोड़ा सा हो गया तो फिर हमने ज्वाइन किया। मैं आपकी इस करेज को, आपकी इस उठने को अप्रिशिएट करूंगी। जी आसमा, आसमा आप बिल्कुल भी लाइक सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करना, अपना अपनी एंट्री करना, दिस इज नॉट इनफ। लाइक मैं जब आपको लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबसे बात कर रही होती हूँ जस्ट टू चेक के कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। क्योंकि जब इस तरह पार्टिसिपेंट आ जाते हैं सिर्फ जो है उसके लिए मेक श्योर कि आप सीखें। जब आप टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तभी आपकी लर्निंग होगी, लेकिन जब जस्ट आप सुनेंगे ना फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। मे बी मैं आपके एक ऐसे टीचर होंगी जो आपको बार बार कहती हूँ क्वेश्चन पूछें। हमने कभी इस तरह टीचर्स नहीं देखे कि वो हमसे कहें क्वेश्चन पूछें, बस उनको क्वेश्चन से बड़ा खौफ होता था। क्वेश्चन पूछा करें, रूटीनिक पूछा करें, नॉलेज रिलेटेड पूछा करें, स्टडी रिलेटेड पूछा करें। मुझे नहीं आता तो मैं आपके ग्रुप में डिस्कशन करूँगी, मुझे नहीं आता तो मैं नेट सर्च करूँगी, मुझे नहीं आता मैं अपने सुपरवाइजर से पूछूंगी। आपका नॉलेज भी इनहेंस होगा, मेरा साथ में मेरा नॉलेज भी इनहेंस होगा। ओके जी बैक टू योर टॉपिक, डेल्फी टेक्निक की हम बात कर रहे हैं। डेल्फी टेक्निक क्या है? एंशंट लोग इसको यूज करते थे, एक जगह होती थी वहाँ पे जाते थे और अपने फ्यूचर के बारे में फाइंड आउट करने के लिए जो इबादतें वबादतें करते थे तो वहाँ से इसका नेम, इस टेक्निक का नेम रखा गया है। इस टेक्निक में क्या होता है, जो सेलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं उनको दूर दूर की जगहों में भेज दिया जाता है ताकि इनका फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, फॉर मेकिंग वाइटल फॉर्म और फॉर मेकिंग एन एक्यूरेट डिसीजन। जब हम लेट सपोज एक बंदा है जो कि एक्सपर्ट है, अब उसको क्या, अब उसको जो है जॉब के लिए वेस्टर्न मुल्क जाना पड़ा, अब वो वेस्ट में जो है यूरोप में जॉब कर रहा है, जस्ट सिनेरियो बना रहे हैं ना, और उसका जो है अपने पेरेंट्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स हमारे लिए वो फाउंडेशन होते हैं या पेरेंट्स हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होता है जिस पे हम थ्रू आउट लाइफ डिपेंड कर रहे होते हैं, चाहे बूढ़े भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी अगर पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं तो हमारी डिपेंडेंसी रहेगी, हम डिपेंडेंट होंगे। तो जब हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, हमारा सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग जो फिनोमेना है वो सपोर्ट या प्रमोट होगा, वो इनहेंस होता जाएगा। अब मैं सिर्फ अकेली हूँ ना, मेरे साथ कोई और नहीं है कि मेरे लिए डिसीजन ले, लेट सपोज, तो जब कोई और नहीं है, फेस टू फेस मेरा इंटरेक्शन नहीं है, डेफिनेटली मेरा सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा ना, और रिस्क डिसीजन भी मैं लूँगी, 50% चांसेस ऑफ सक्सेस एंड 50% चांसेस ऑफ फेलियर। आप सक्सेस एंड फेलियर के लिए मैं एक्सपर्ट हो गई, मैं रिस्क डिसीजन भी ले सकती हूँ, मैं अब एक्सपर्ट हो गई, मैं किसी भी सॉर्ट का डिसीजन ले सकती हूँ विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट्स। तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन का ना होना क्या था, वो सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए था। टेक्निक की इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है, आपके पास ज़्यादा टाइम हो, आप लोगों के साथ ज़्यादा घुले मिलें, उनका उनका कल्चर, उनका माइंड रीड करें। अब ये चीज़ें जो है वो एक दो दिन का काम नहीं, इसको काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है। पार्टिसिपेंट जो अगर एक्सपर्ट होगा तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, वो लोग को मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सकता है, वो जो है वर्बल सॉरी कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है,
नॉन वर्बल मोड में, जैसे आपका सर हिलाना, आपका हाथ हिलाना, आपका आंख का इशारा करना, आपका जेस्टर्स, आपका इमोशन, आपका फीलिंग. वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप लैंग्वेज जो है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या एज अ ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे यूर मैसेज जब हम यूज करते हैं, तो ये है आपकी डेल्फी टेक्निक. क्वेश्चन? नो मैम, इसको हम तबलीग वालों के साथ ही रिलेट कर सकते हैं ना, जैसे कि वो लोग मतलब 4 महीनों के लिए चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातचीत नहीं करते उनकी. अच्छा बच्चे, अब तबलीग वालों के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल हो सकती है ना, लाइक कनेक्शन इसका बन रहा है, गुड, वेरी गुड. लेकिन अब देखिए ना, विद पैसेज ऑफ टाइम देखें, आप भी माशाल्लाह से सैयदजादी हैं, आपको थोड़ा सा नो हाउ होगा कि विद पैसेज ऑफ टाइम अब अगर हम बात करें अपने सैयद क्राइटेरिया की, तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं ना. यस सर, पहले में और अब में काफ़ी चेंजेस हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस इज मॉडर्नाइजेशन और मोडेस्टी, नो, ये मॉडर्नाइजेशन और मोडेस्टी नहीं है. दीज आर द डिमांड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज सोसाइटी. अब डिमांड और रिक्वायरमेंट्स में एक हमारी एग्जाम्पल हम कनेक्ट कर सकते हैं, आप सैयदजादी हैं, मैं सैयदजादी हूँ, आप सैयदजादी हैं हो के को एजुकेशन में आके पढ़ रही हैं, क्लियर? मैं सैयदजादी हो के को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रही हूँ. डिमांड ऑफ टुडेज लाइफ है ना, डिमांड हो गई. अब ये डिमांड हमें बुरी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि हमने विजिलेंटली वाइजली इसको एक्सेप्ट किया है. अब जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स यहाँ पे कौन है? मेरे और आप, लेट्स सपोज एक्साइड कास्ट की हम बात करें, यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट है. वो एक्सपर्ट मेंबर्स कौन है? वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया जहान के लोगों को देखा है, आइडियाज हैं, कौन कैसा है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची कैसे हैं, मेरी फैमिली कैसे है. अब साथ में इनका क्या है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं. नायला बच्चे, आपको कहते होंगे कि आपने निकाह करना है, अबाया इज बेटर, हिजाब इज बेटर, कहते हैं ना. यस मैम. लेकिन कभी इस तरह नहीं का, बगैर अबाए के बाहर घर से निकलो ना, टांगे तोड़ दूंगा. ये जो है ये इनफेक्टिव है. यहाँ पे मेंबर जो मेरे मेंबर्स थे वो एक्सपर्ट बन रहे थे. अब एक्सपर्टी के बेसिस पे वर्बल कम्युनिकेशन उनके स्किल्स, अपनी बात जो वो मनवाना चाहते हैं या वो आपसे कराना चाहते हैं, गुड वर्ड्स यूज किए, आपको मोटिवेट भी किया, मोटिवेशन क्या, आप पढ़ भी रही हैं और उनके जो है उनके जो विशेज हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, उनको भी फुलफिल कर रही हैं, ऐसा है ना. Yes, ma'am. तो ये वो चीजें हैं जो हमने एक सिनेरियो बना दिया. सुमेरा बच्ची, सुन रही हैं आप? Yes, ma'am. इन्होंने कहा कि हम तबलीग के लोगों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा विद पैसेज ऑफ टाइम काफी चेंजेस आए. जस्ट एग्जांपल के लिए नायला भी सैयदजादी हैं, तो मैंने उन्हीं के कास्ट को लेके एग्जांपल नरेट की. साथ में इन्होंने कहा कि मैडम ये तो हम तबलीग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. तबलीग का देखें ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन उन लोगों का नहीं होता, लेकिन वो मेंबर जो होते हैं ना वो सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स नहीं होते. अगर वो एक्सपर्ट होते तो इस्लाम का पहला जो है कि अगर आपके जिम्मे किसी का खाना रोजी लिखा है, आप किसी की किफालत कर रहे हैं, आप किसी की सरपरस्त हैं, तो आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते. मेजॉरिटी जो तबलीग के लोग जाते हैं, मेजॉरिटी उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता. एक ही बंदा कमाने वाला होता है जो तबलीग के लिए चला जाता है, जो दिहाड़ी मजदूर होता है, डेली वेजेस पे काम कर रहा है. अब वो 3 महीना 4 महीना के लिए घर से बाहर चला गया, तो घर वाले जानवर हैं, सांप है, खाक खाएंगे, मिट्टी खाएंगे. जो मर्द होता है बच्चे, मर्द के अमालनामा में सबसे ज्यादा
वजनी वो चीज़ होगी, उस अमाल का वजन ज़्यादा होगा जो उसने अपने बाल बच्चों पे, अपने अहल वयाल पे खर्च किया होगा, ना कि वो तबलीग गया, तबलीग में उसने जो किया। अब उनका जो है वो डिफरेंट लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन है, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनके टू सम एक्सटेंट अच्छे होंगे, लेकिन वो अगले को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट कर सकते हैं, आते हैं शाम को, डेली शाम को दरवाज़ा कटकटाते हैं कि जी अगर घर में कोई मर्द है तो उनको मस्जिद भिजवा दें, या घर में मर्द है तो उनको बाहर कहें कि बाहर आ जाएं, तबलीग वाले लोग आए हैं। कोई इनके कहने से जो है अपना वे चेंज कर रहा है? Am I asking that on their opinions, on their expertise, on their communication skills, any single person in society is changing their way of life? You change कर रहा है? No, ma'am. वो इसलिए बच्चे चेंज नहीं करे कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं कर पा रहे, मोटिवेट नहीं कर पा रहे। अब देखे ना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, अब ये नहीं है कि जी दुकान के सामने जो है चटाई डाल दी और सारे लोगों को पटक किया तबलीग करें, नहीं। जब आप तबलीग को वैल्यू देंगे ना, तबलीग को आप वैल्यू देंगे और वो जो तबलीग है आप उसके लिए प्रॉपर जगह रखेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी। रादर देन कि आप जी काफ़ी टाइम के लिए अपना घर बार छोड़ दें, तो कुछ हमारी जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि दैट वी आर नॉट अगेंस्ट तबलीग, हम तबलीग के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हर एक चीज़ के लिए पहले हमें एक वे बनाना होता है, क्लियर करना होता है। जैसे हज पे जाने के लिए भी हमारे पास क्राइटेरियाज हैं ना, अगर बच्चे जवान हैं शादी करा दो, बालिग हैं, किसी का कर्ज है कर्ज उतार दो, साथ में आपके नेबर्स में, आपके पड़ोस में कोई मोहताज है, गरीब है, उसकी मदद करो, उसकी कफालत करो, उसके बाद आप हज जाने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एग्ज़ाम से पहले आपने अपनी अटेंडेंस और अपनी फ़ी जो है मस्ट क्लियर करनी है। देन आपका थर्ड स्टेप होगा दैट यू पीपल विल बी एलिजिबल टू सिट इन एग्जामिनेशन हॉल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो हर एक चीज़ के लिए एक स्टेप्स है ना, क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी उस चीज़ का इफेक्टिव या फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंने क्राइटेरिया नहीं पूरा किया, मैं हज के लिए चली गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह ने मुझे दी हैं, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ मेरी थी वो मैंने कम्प्लीट नहीं की, हज जाना मेरा क्या हो गया, हज जाना तो मेरा पिकनिक हो गया। क्लियर? प्रोसेसेस का क्या है? द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड सेट एंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और अ क्वेश्चनियर्स आर बिल्ट रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। एक्सपर्ट्स इन अ प्रॉब्लम एरिया आर आइडेंटिफाइड एंड कनेक्टेड टू होम द क्वेश्चनियर इज सेंड। दे एनोनिमसली एंड इंडिपेंडेंटली आंसर्स द क्वेश्चंस एंड सेंड इट बैक टू द सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। जैसे हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इंशाल्लाह खैर से अब आप जो है फाइनल्स तक जब आप जाएंगी तो आप भी रिसर्च करेंगी, तो रिसर्च में क्या है, रिसर्च के लिए मैंडेटरी है कि आप अपना क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेंगी। क्वेश्चनियर क्या होगा, आप रैंडमली लोगों को देंगी, आप उनसे अपना क्वेश्चनियर फुलफिल करेंगी, फिर एक प्रोसेस एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू आपने इसके एवेल्यूएशन करनी है, देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना। फिर क्या है, दीज रिस्पॉन्सेज आर कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड एंड ऑन देयर बेसिस अ सेकंड क्वेश्चनियर इज डेवलप्ड। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चनियर है, लेकिन आपकी रिसर्च में दो क्वेश्चनियर्स नहीं होंगे, सिर्फ इस टेक्निक में दो क्वेश्चनियर्स हैं। सेकंड क्वेश्चनियर आपके फर्स्ट क्वेश्चनियर के बेसिस पे बनेगा, which is mailed back to the participating members to committee suggest and answer the questions possibly generating new ideas. हम अब अगर इसकी बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, डेल्फी टेक्निक को हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, पहले आपने क्वेश्चनियर बनाना है,
उसमें जो है आपने प्रॉब्लम को जो हमारे डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई या टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, पहले आपने उस क्वेश्चन ईयर में सारे वो जो प्रॉब्लम्स थी उसको आइडेंटिफाई या डायग्नोज कर दिया, फिर एक्सपर्ट जो थे उन्होंने उन प्रॉब्लम को समझा और उसे कनेक्ट किया, क्वेश्चन ईयर उनको भिजवा दिया, जो क्वेश्चन ईयर का रिजल्ट आ गया उसके बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन ईयर बना दिया, वो उनको सेंड बैक किया, एंड देन सजेस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन पॉसिबली जनरेटिंग द न्यू आइडियाज. जितनी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, जितने भी आइडियाज थे या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे या जितने भी सजेशंस थे उन पे डिबेट हुई, उन पे बात की, ताकि हम जो है एक न्यू सोल्यूशन या न्यू अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करें. क्लियर? जैसे हम कहते हैं ना, या यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की. अब उस करो मन की का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो डिसाइड किया है वही है. अब यहाँ पे करो मन की का मतलब ये है, यू आर जनरेटिंग न्यू आइडियाज बाय मेकिंग फाउंडेशन, बाय मेकिंग बेस ऑफ आइडियाज ऑफ अदर्स. आपने दूसरों के आइडियाज को फाउंडेशन और बेस बना दिया और अपना न्यू आइडिया जो है या न्यू ओपिनियन जो है वो जनरेट किया. क्लियर? यस मैम. द रिस्पॉन्सेज टू दिस सेकेंड क्वेश्चनियर आर compiled and analyzed, and if a consensus has not been reached, then a third questionnaire is developed, pinpointing the issues and unresolved areas of concern. अब third questionnaire में क्या है? First questionnaire में identification हो गई और वो questionnaire सबको भिजवा दिया और लोगों ने उसको fill किया. जब वो questionnaire fill होके आ गया, then उसमें कोई problem थी या कुछ missing criteria थी या कुछ और suggestion की जरूरत थी, second questionnaire उन लोगों को बना के भिजवा दिया. Second questionnaire में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन ईयर में जो फर्स्ट क्वेश्चन ईयर की लीकेजेस थी उसको ओवरकम किया, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन ईयर में भी अगर कुछ लीकेजेस रह जाती है फिर एक थर्ड क्वेश्चन ईयर डिवेलप करते हैं. थर्ड क्वेश्चन ईयर में वो सारे एरियाज, वो इश्यूज जो कि अनसॉल्व्ड हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं. सो द अबव प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल अ कंसेंसस इज ऑब्टेन्ड, देन द फाइनल डिसीजन इज टेकन. अगर थर्ड पे भी आपको फाइनल जो सोल्यूशन नहीं मिलता, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, देन फोर्थ क्वेश्चन ईयर भी बन सकता है. फोर्थ पे भी नहीं हो सकता तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टिल जब तक आपका फाइनल डिसीजन या जो अनरिजॉल्व या अनसॉल्व एरियाज थे वो कवर नहीं हो जाते, तब तक जो है क्वेश्चन ईयर्स बनते रहेंगे. काफ़ी एक लंबा चौड़ा इसका डेल्फी टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, टाइम कंज्यूमिंग है. एडवांटेजेस क्या हैं? ओके, समझ आ रही है? यस मैम. जी गुलाले. जी मैम. समझ आ रही है बच्चे आपको? जी मैम. ओके जी, एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस का है एलिमिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स अमंग मेंबर्स. हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम